वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स. कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2. When the solution is placed in closed container, both the liquids are vaporized. क्योंकि वो liquids volatile है. Can be volatile means liquids are converted into vapor. When an equilibrium is established between the vapor and liquids phase, both the component of volatile liquid A1 and A2 are present in vapor phase. The partial pressure of components are related to their mole fraction. हम दो volatile liquid को close container में mix करवा देते हैं. जो vapor pressure होता है vapor phase में, जो component होते हैं वो volatile liquid के होते हैं. And the vapor pressure of that component are depends on the mole fraction. Now the relationship of partial vapor pressure and mole fractions we are studied out in Rod's law. What is Rod's law? It states that the partial pressure of any volatile component of a solution is equal to vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction. यानि कोई भी component का जब हम volatile liquid mix करवाते हैं, उसे इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. सपोज दैट अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मींस इन विच द प्रेजेंस ऑफ टू कंपोनेंट. सपोज दैट अ बाइनरी सॉल्यूशन A1 एंड A2 हुज वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर P1 एंड P2 and x1 and x2 are their mole fraction in the solution. According to Rod's law, P1 is equal to x1 into P1 0, P2 is equal to x2 P2 0. According to Dalton's law of partial pressure, total pressure of the solution P is equal to P1 plus P2. Putting the value of P1 and P2, P1 is equal to X1 P1 0 plus X2 P2 0. हमने 11th में study out किया था. The sum of mole fraction of all the component is equal to 1. इसे solution में दो component है, A1 and A2, उसके mole fraction क्या है, X1 and X2. दोनों की add करवा दिया, X1 plus X2 is equal to 1. Therefore, x1 is equal to 1 minus x2. Putting this value, तो equation क्या आने वाला है? P is equal to P1 0. x1 की value put करेंगे. 1 minus x2 plus P2 0 x2. Bracket solve करवा दें. Bracket solve करवाने के बाद क्या equation आ रहा है? P is equal to P1 0 minus P1 0 X2 plus P2 0 X2. ये दोनों टर्म में से X2 कॉमन निकाल लेते हैं. इन अ ब्रैकेट P2 0 minus P1 0 ब्रैकेट कंप्लीट X2 plus P1 0. दैट्स आर द रॉड्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द लिक्विड्स. Now, according to the Rod's law, the solutions are classified into the two types: ideal solution and non-ideal solution. What is meant by ideal solution? The solution which obeys the Rod's law over the entire range of the concentration. यानी solution में Rod's law obey करवा लिया तो ideal solution. Ideal solution in which no heat evolved, no heat absorbed. That is delta H mixture is equal to 0. In ideal solution, volume of the mixture is equal to 0. यानी जब हमने दो liquids mix करवा लिए,
तो सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट या तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्शन ही नहीं होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। टोटल वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो। यहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो थर्ड पॉइंट्स सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर नेग्लिजिबल। फोर्थ पॉइंट्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस इज इन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ग्राफ में दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है डॉटेड डॉट दिखाई दे रहे हैं आप, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बीच में। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे द रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ ओबे नहीं कर रहा था। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हीट योर्ड हो सकता है या तो हीट एब्सॉर्ब हो सकता है। दैट मीन्स डेल्टा एच मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी से हमें समझ में आता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्शन होगा, इसी से उसका वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट से ज्यादा होता है या तो कम होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप, दैट्स आर द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ मींस ग्राफ में दिखाई दे रहा है द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिबिट्स अ पॉजिटिव डिवीजन। देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्शन कम हुआ, यानी दैट्स कॉम्पोनेंट क्या हो गए, लिक्विड फेज से गैसियस फेज में चले गए। ऑब्वियसली सोल्यूशन से उसी कॉम्पोनेंट का वेपर ऑब्वियसली अट्रैक्शन कम हुआ तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए वो पॉजिटिव डिवीजन दिखाए। यदि सोल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन कम हुआ, सोल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल हो गए वो वेपर फेज में जाने वाले नहीं है। वेपर फेज में गए नहीं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो गया यानी वो निगेटिव डिवीजन दिखाता है। दैट्स कैन बी ऑकर्स इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऑन दैट टॉपिक काफी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो देखते काफी इजी है। मैं ट्रिक बोलने वाला हूं, क्या ट्रिक? तो सबसे पहले हम कोई एग्जांपल्स क्रिएट करवाते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन नेगेटिव डेविएशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या है, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड एंड एन ब्यूटिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। समझ चुका होगा आप, यदि आइडियल सॉल्यूशन होगा आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन शो द आइडियल सॉल्यूशन। तो काफी इजी होता है, तो हमने एग्जांपल देखा एन ब्यूटिल ब्रोमाइड एन ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल ब्यूटिल सेम आता है। दैट टाइप का ऑब्जर्वेशन हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन में नहीं दिखाई देगा। सेकंड एग्जांपल हमने देखा इथिल ब्रोमाइड इथिल आयोडाइड, इथिल इथिल, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन बेंजीन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, अल्केन अल्केन आता है, हेक्सेन एन हेप्टेन। यानी आप काफी इजी है, सेम मिक्सचर में कंपाउंड दिखाई दिए तो समझ लेना कि आइडियल होता है। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट कैन शो द पॉजिटिव डेविएशन, मिथेनॉल प्लस वॉटर, इथेनॉल प्लस वॉटर, मिथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस इथेनॉल,
कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोल्यूएन, इसमें भी आप दिखाई देंगे। यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो उसमें अल्कोहल तो आना ही है, अल्कोहल आ गए तो समझ लेना डेट कैन शो द पॉजिटिव डेविएशन। याद रखना आप, अल्कोहल दिखाई दिया दैट सॉल्यूशन कैन शो द पॉजिटिव डेविएशन अल्कोहल। काफी कभी कभी बात थोड़ा बहुत कार्बन डाइसल्फाइड भी याद रखना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, लेकिन अल्कोहल दिखाई दिया तो पॉजिटिव डेविएशन तो पक्का होता है। ऐसे ही हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल स्टडी आउट किए, तो क्या एग्जांपल है, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, H2O प्लस फॉर्मिक एसिड्स, H2O प्लस एसिटिक एसिड्स, एसिटिक एसिड प्लस स्प्रीडिंग, अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड्स। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि एसिड तो बनता ही है, एसिड कंफर्म है, एसिड दिखा दिया है नेगेटिव डिवीजन। अभी मैंने पॉजिटिव डिवीजन को आपको ये क्या याद रखने लगा, क्या याद रखने का, अल्कोहल और नेगेटिव डिवीजन के क्या, नेगेटिव डिवीजन के लिए क्या याद रखना है, एसिड्स। अभी नेगेटिव डिवीजन में हमने एक एग्जांपल ऐसा ही स्टडी आउट किया, मिथिल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, एसिड बना तो नेगेटिव डिवीजन, यदि उसके साथ अल्कोहल भी हुआ तो, लेकिन सिर्फ अल्कोहल हुआ और उसके पेयर में उसी पेयर में दूसरा कोई भी लिक्विड हुआ तो अल्कोहल पॉजिटिव डिवीजन दिखाते हैं। कभी कभार दो एक्सेप्शनल कंडीशन है नेगेटिव डिवीजन के लिए, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन एंड एसीटोन प्लस एनिलीन। यानी मैंने आपको क्या ट्रिक दिया है, पॉजिटिव डिवीजन में अल्कोहल तो पक्का है, कभी कभार कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड इन द नेगेटिव डिवीजन्स एसिड तो पक्का है, कभी कभार क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन आ जाता है और एसीटोन के साथ एनिलीन का। तो कोई क्वेश्चन देखते हम, इसी क्वेश्चन से तुम्हें इजीली समझ जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या ऑप्शन दिए, बेंजीन प्लस टोल्यू, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इथिल ब्रोमाइड प्लस इथिल आयोडाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। क्या क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल, नॉन आइडियल चाहिए, आइडियल नहीं होना चाहिए, तो बेंजीन एंड टोल्यूम, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इथिल ब्रोमाइड एंड इथिल आयोडाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। आपको क्या लगता है, देख लीजिए, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, इथिल ब्रोमाइड एंड इथिल आयोडाइड, इथिल इथिल ये भी आइडियल सॉल्यूशन है, तो बचा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देन आंसर इज डी। आ गई बस। सेकेंड क्वेश्चन, विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, ऑप्शन क्या दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, वॉटर प्लस ब्यूटेनॉल, इथिल ब्रोमाइड प्लस इथिल आयोडाइड, हेक्सेन एंड हेप्टेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दोनों सेम है, क्लोराइड क्लोराइड, तो आइडियल हो गए। अल्कोहल दिखाई दिया सेकंड ऑप्शन में, तो ये पक्का पॉजिटिव डेविएशन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आंसर क्या आएगा, बी। ऐसा ही देखते हैं फ्रॉम रॉड्स लॉ, क्या ऑप्शन दिए, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, बी बेंजीन प्लस मिथेनॉल, सी वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो हमारे ट्रिक क्या दिया है, यदि अल्कोहल दिखता है तो पॉजिटिव डेविएशन और एसिड दिखता है तो नेगेटिव डेविएशन, तो काफी इजी है। फिर ऑप्शन ए में क्या दिया है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन पक्का, ऑप्शन बी बेंजीन प्लस मिथेनॉल अल्कोहल आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन, सी वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेगेटिव डेविएशन, डी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये पेयर लास्ट वाला याद रखना है,
एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये नेगेटिव डिविजन दिखाता है। लास्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड शोइंग अ पॉजिटिव डिविजन इन रॉड्स लॉ इज, ऑप्शन ए एसीटोन प्लस अल्कोहल इथिल अल्कोहल, बी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, सी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, डी एसीटोन प्लस एनिलीन। व्हाट आर द ट्रिक? अल्कोहल देन पॉजिटिव डिविजन्स, एसिड देन नेगेटिव डिविजन। अल्कोहल में कभी कभार, सॉरी पॉजिटिव डिविजन में कभी कभार अल्कोहल के साथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है। तो यहां पे अल्कोहल तो है फर्स्ट ऑप्शन में, तो कंफर्म हो गया द ऑप्शन ए इज अ आंसर। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और कुछ कमेंट